इन बुजुर्गों की छाती पर सांप लौट रहा है। इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है जिसकी इन्होंने कल्पना नहीं की थी। सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धा पेंशन को इनके खाते से धोखाधड़ी करके निकाल लिया गया। वही जब बोला कि लाइए खाता और आधार कार्ड चेक करेंगे, हाँ पैसा 1000 रुपया मिलेगा, 20-20 रुपया भी लिया है, निकाल लिया है, हम लोग को पैसा नहीं दिया है, हम लोग काम खाता छाप भी नहीं लिया है। हम बैंक ही है ना, तो बोलता है कि आपको से 1200 है और 1500 आपको निकाल लिया खाता से। गजब की बाजीगरी दिखाई है धोखेबाजों ने। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर इन्हें बुलाया और फिर अंगूठा लगवा कर चुपचाप इनके खाते से पैसे निकाल लिए। ये इन बुजुर्गों को तब पता लगा जब वो केवाईसी अपडेट कराने के बाद दूसरे दिन बैंक जाकर पैसा निकालने पहुंचे। हम लोग को कल रात को ही पता चला है कि केवाईसी कराने के माध्यम से यहाँ के जितने भी वृद्ध लोग हैं उनका पैसा निकाला गया फर्जी रूप से। इनको पता भी नहीं है, इनका अंगूठा लगाकर आधार कार्ड लेकर इनके अकाउंट को पूरा खाली कर दिया गया। जब ये लोग बैंक गए तो बैंक में ये लोग लंबा लाइन में लग के जब अपना पासबुक दिए हैं तो बैंक कर्मी बोल रहे हैं कि नहीं आपका पैसा तो है ही ना, आपका पैसा तो कल ही निकल गया। तो ये लोग आए, हम लोग का यहाँ पे संस्था माँ भारत क्लब, यहाँ पे आके हम लोग को बोले तो हम लोग सब आदमी यहाँ पे अपना क्लब का सब आदमी जुटे तो उनके बाद वो लोग आए तो हम लोग बोले कि प्रूफ क्या है। प्रूफ के माध्यम से वो लोग खाता देखा है, खाता में हम लोगों ने देखा कि सही में अंगूठा लगा कर वृद्धा पेंशन निकाला गया। जो घटना नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 की 1 नंबर कॉलोनी की है। टाइम्स न्यूज ने जब इसके लिए जिम्मेदार शख्स से सवाल पूछे तो उनका जवाब ही ये बताने लगा कि घोटाला हुआ है। देखिये इटा वृद्धा पेंशन का मतलब कि जैसे बोलता है मृत्यु प्रमाण पत्र हर साल लगता है, उसी तरह से बोला कि केवाईसी होगा, ठीक है। तो अगला कमिश्नर जो है भरत सिंह, तो वो बोला कि अब इसका जो पहले हुआ था वो तो खराब हो गया है, फिर से थोड़ा सा कर देना और ये लोग कर लेगा अपना। तो हम अगला को फोन किया ही, अगला हमको बोला कि भैया आपका नाम बोला है, आप थोड़ा सा हमको कोऑपरेट कर देने के लिए। तो हम लोग ठीक है हम कह देते हैं, कह दिए, कह देने के बाद कितनी शर्मनाक बात है ये, इन बुजुर्गों के साथ भी धोखाधड़ी करने में इन्हें शर्म नहीं आई। बेशक ये मामला छोटे से इलाके में हुआ है, लेकिन सरकार को, प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और धोखेबाजों को सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए ताकि फिर वो ऐसी हिम्मत ना कर सके। बंटी प्रसाद, टाइम्स न्यूज, कटिहार।